ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਏ, ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸਿੱਖੋ ਕੇ ਆਠਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕੋ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। वो केवल 5 साल के थे जब उन्हें सिख गुरु की गद्दी पर बैठाया गया। गुरु हरिकृष्ण जी का जन्म 23 जुलाई 1656 को सिखों के 7वें नानक गुरु हरि राय जी और माता कृष्ण कौर के यहाँ हुआ। गुरु जी का जन्म भी उसी स्थान पर हुआ जहाँ उनके पिता का जन्म हुआ था, जो कि आज पंजाब के कीरतपुर साहिब शहर में आता है। इस स्थान पर गुरु जी की याद में आज गुरुद्वारा शीश महल भी बनाया गया है। सन 1661 में गुरु हरि राय जी ने मृत्यु से पहले अपने छोटे बेटे हरिकृष्ण को गुरु गद्दी पर बैठाया और सिखों का 8वां गुरु घोषित किया। छोटी सी उम्र और चेहरे पर मासूमियत, लेकिन दिल में गुरु जी के नक्शे कदम पर चलने का जोश लिए गुरु हरिकृष्ण जी गुरु गद्दी पर विराजमान हुए। यह वो समय था जब 20 अक्टूबर 1661 को गुरु हरि राय जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन पिता के जाने का गम ना करते हुए गुरु हरिकृष्ण जी ने संगत को पैगाम भेजा, गुरु जी के जाने पर कोई शोक नहीं मनाया जाएगा, उनकी याद में गुरु बानी पढ़ी जाएगी और बानी के संगीत से सारा वातावरण खुशनुमा बनाया जाएगा। कहते हैं कि गुरु गद्दी पर बैठे गुरु जी का चेहरा सूरज के समान लगता था, जो अपने चेहरे के तेज से उत्पन्न होने वाली किरणों से सारे जग को रोशन कर दे। इतनी छोटी सी उम्र सिखों के 8वें गुरु ने अपनी मासूमियत के साथ अपनी काबिलियत को भी साबित किया। अपने अंतिम समय में जब गुरु जी से यह प्रश्न किया गया कि उनके बाद सिख कौम का रखवाला कौन होगा, तो उन्होंने कहा, बाबा बकाला, जिसका मतलब था कि अगले गुरु बकाला में हैं। लेकिन वह कैसे मिलेंगे, ये जवाब उस समय एक राज बन गया। 16 अप्रैल 1664 गुरु जी धीरे से आवाज में वाहे गुरु बोलते हुए सिख संगत को अलविदा कह गए। Yes, it did.